नमस्कार, मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आपको बता दें कि बिहार में बैंक हड़ताल जो है लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों से बैंक हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि जो सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक हैं उनके द्वारा यह हड़ताल किया जा रहा है। पोस्टर देखिए किस प्रकार से लगाया गया है। राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल, बैंकों का निजीकरण बंद करो, 5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करो, पेंशन अपडेशन शिविर करो, आउटसोर्सिंग बंद करो, ग्राहकों पर महंगे सेवा शुल्कों का बोझ मत डालो। इस विरोध करने की जो वजह है केंद्र सरकार की जन एवं श्रम विरोधी नीतियों को माना जा रहा है और समर्थन है केंद्रीय श्रमिक संगठनों की मांगों का। एआईबीईए एआईबीओए के द्वारा यह बैंक हड़ताल बुलाया गया है। और आपको बता दें कि देखिए किस प्रकार से जो है लोग हैं बैंक के बाहर बैठे हुए हैं और अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कहीं ना कहीं बैंक हड़ताल आपको बताएं कि पिछले 2 दिनों से लगातार चल रहा है। और इस बीच किस प्रकार से जो लोग हैं इस पोस्टर्स बैनर्स के तले बैठे हुए हैं और नाराजगी जता रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ वजह है। सर, क्या वजह है कि आप लोग 2 दिन से हड़ताल पर हैं? 28 और 29 मार्च 2022 को हमारा ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के आह्वान पर तकरीबन 20 करोड़ मजदूर आज हड़ताल में। हड़ताल का मुख्य मुद्दा है ये केंद्र सरकार की नई आर्थिक नीति। ये केंद्र सरकार जब से आई है और नई आर्थिक नीति लागू की है और नई आर्थिक नीति के नाम पर ये जहाँ तक बैंकों का सवाल है तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने किया था। राष्ट्र हित के लिए किया था, जनता के हित के लिए किया था। आम आदमी का खाता खुल सके, खुमचा वाले का, गरीब से गरीब आदमी का खाता खुल सके बैंक। और अभी भी जनधन के तहत यहाँ खाता खोला गया, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं इसको अब बेचने की तैयारी चल रही है। प्राइवेट सेक्टर्स में बिल्ला, टाटा, अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में। जब निजी हाथों में सर बैंक चला जाएगा तो क्या है, उनकी निजी जो है क्रेडिबिलिटी होगी, उनका उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता के प्रति नहीं होगा, आम आदमी का खाता नहीं खुलेगा। मास बैंकिंग से हम क्लास बैंकिंग की ओर जा रहे हैं। अच्छा, मांग क्या कुछ रहेगी आप लोगों की सरकार से? हमारी मांग है कि ये जो बैंकों का निजीकरण है इसको अविलंब रोका जाए, बैंकों को निजीकरण नहीं किया जाए। राष्ट्रीयकृत बैंकों का निजीकरण अगर किया जाएगा तो हमारी ये सीधा मेरा मानना है कि हमारी आर्थिक संप्रभुता पर हमला है। चलिए, हमारी आर्थिक संप्रभुता पर हमला है कहीं ना कहीं। देखिए 2 दिवसीय जो बैंक हड़ताल है वो लगातार जारी है। बैंकों के बाहर कर्मचारी जो हैं वो बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि कुल लगभग 5061 शाखाओं का जो कार्य है पूरी तरीके से ठप है, जिसके कारण लोगों को भी कहीं ना कहीं समस्याओं को मार झेलना पड़ रहा है। वहीं बात की जाए तो लगभग 50,000 करोड़ का जो काम है इस 2 दिवसीय हड़ताल से प्रभावित होने का अनुमान है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जो है बैंक हड़ताल लगातार जारी है। इनका मांग है कि निजीकरण जो है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इस पर बात करे और निजीकरण को रोका जाए। इसको लेकर के बैंकों के बाहर जो है जो बैंक कर्मचारीगण हैं वो बैठे हुए हैं और लगातार हड़ताल कर रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे, बने रहिए न्यूज फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।